टिकट बंटवारे में क्यों सुस्त हैं मायावती? हमने टिकट बंटवारे के मामले में सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी भी दी है। मायावती के टिकट बंटवारे से सदमे में क्यों है विरोधी? हिंदुओं की आबादी ज्यादा है तो हिंदू को टिकट दिया है, मुस्लिम समाज की आबादी ज्यादा है तो मुस्लिम समाज को टिकट दिया है। यूपी में विरोधियों पर बहनजी का टिकट अटैक। टिकट बंटवारे के मामले में हमारी पार्टी ये सब नहीं करती है। कल पहले चरण की वोटिंग होने वाली है, लेकिन अभी तक बहनजी ने यूपी की कई सीटों पर अपने उम्मीदवार ही घोषित नहीं किए। इस लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी घोषित करने के मामले में बसपा सबसे पीछे है। पार्टी यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन 25 सीटों पर अभी भी प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। राजनीति के जानकार बहनजी के इस कदम के सियासी मायने निकाल रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि भला प्रत्याशी घोषित करने में बहनजी इतनी देरी क्यों कर रही है। विरोधी पार्टियां अपने उम्मीदवार घोषित कर रही हैं, लेकिन बसपा अपने कैंडिडेट देने में देरी कर रही है। खासकर इंडिया और एनडीए के प्रत्याशी घोषित होने के बाद ही बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशी उतार रही है। बताया जा रहा है कि बसपा की नजर उन लोगों पर भी है जो इन पार्टियों से नाराज हैं। अभी तक घोषित टिकटों से भी बहनजी कई सीटों पर इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधनों की मुश्किलें बढ़ा चुकी हैं। यही वजह है कि बाकी दलों की चिंता बढ़ गई है कि बची हुई 25 सीटों पर बसपा कहीं और पेच न फंसा दे। क्योंकि टिकट बंटवारे में सुस्ती पर आपको मायावती की चाल समझनी होगी। पहले चुनावों में अमूमन बसपा सबसे पहले प्रत्याशी घोषित कर देती थी, लेकिन इस बार वो सबसे पीछे है। इतना ही नहीं, यदि किसी सीट पर बसपा जहां प्रत्याशी घोषित कर चुकी है वहां भी बदलाव कर रही है। हाल ही में इसका ताजा उदाहरण मैनपुरी की सीट पर हुआ। यहां बसपा ने पहले गुलशन शाक्य को प्रत्याशी बनाया था। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के नामांकन वाले दिन बसपा ने प्रत्याशी ही बदल दिया और पूर्व विधायक शिव प्रसाद यादव को टिकट दे दिया। इससे सपा के यादव वोट बैंक में सेंध लगने का खतरा बढ़ गया। यानी यहाँ मामला यादव बनाम यादव हो गया, जिससे समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि खुद डिंपल यादव की साख दांव पर लग गई है। वहीं जौनपुर से सपा और भाजपा पहले ही प्रत्याशी उतार चुके हैं। बसपा ने जौनपुर से बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को टिकट दे दिया। इससे भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई। दरअसल धनंजय सिंह पहले खुद टिकट चाहते थे, लेकिन वो जेल में चले गए और भाजपा ने कृपा शंकर को अपना प्रत्याशी बना दिया। लेकिन बसपा ने धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को टिकट देकर बीजेपी को चित कर दिया। जौनपुर लोकसभा सीट पर चुनाव अब त्रिकोणीय हो गया है। भाजपा, सपा और बसपा ने अपने पते खोल दिए और उनके प्रत्याशी अब मैदान में आ चुके हैं। वहीं फैजाबाद यानी अयोध्या से भी बसपा ने सच्चिदानंद पांडे को प्रत्याशी बनाया है। वो व्यापारी हैं और भाजपा छोड़कर बसपा में आए हैं। अयोध्या में बसपा ने ब्राह्मण चेहरे पर दाव लगाकर बीजेपी के हिंदुत्व वोट बैंक में ही सेंध लगा दी है। इससे बीजेपी सकते में है, क्योंकि बसपा का ब्राह्मण कैंडिडेट उसके वोट काट सकता है। वहीं बदायूं सीट पर भी बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी देकर सपा प्रत्याशी आदित्य यादव के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। बसपा ने बदायूं से पूर्व बसपा विधायक मुस्लिम खां को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में बदायूं सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदित्य यादव, जो शिवपाल यादव के बेटे हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उन्हें मुसलमानों के वोट हासिल करने में पसीने छूट जाएंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि बसपा इस बार बाकी दलों के टिकटों पर भी नजर रख रही है। उसके बाद जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर टिकट दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरे दलों में ऐसा कोई मजबूत दावेदार मिलता है जो अपनी पार्टी से असंतुष्ट है, उस पर भी बसपा की नजर है। यही वजह है कि अभी तक कई सीटों पर टिकटों का ऐलान नहीं किया गया। बसपा अध्यक्ष मायावती खुद अपनी रैलियों में जाति और धार्मिक प्रतिनिधित्व की बात को दोहरा रही हैं। हमने टिकट बंटवारे के मामले में सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी भी दी है। जिनको जिताने के लिए पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हैं। लेकिन यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि टिकट बंटवारे के मामले में हमारी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जिसकी आबादी ज्यादा है
हिंदुओं की आबादी ज्यादा है तो हिंदू को टिकट दिया है, मुस्लिम समाज की आबादी ज्यादा है तो मुस्लिम समाज को टिकट दिया है। लेकिन आपके मुरादाबाद में वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने क्या किया है कि जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां हिंदू को टिकट दे दिए। आपके मुरादाबाद में मुस्लिम आबादी ज्यादा है लेकिन मुस्लिम को टिकट ना देकर हिंदू को दे दिया। सपा का यही कल्चर रहा है। खास तौर से मैं हिंदू और मुस्लिम दोनों को ये बताना चाहती हूँ, सपा करती क्या है, समाजवादी पार्टी करती क्या है कि जहां पर हिंदू वोट ज्यादा होता है तो वहां पर वो मुस्लिम को टिकट देती है ज्यादातर, और जहां पर मुस्लिम वोट ज्यादा होता है वो हिंदू को टिकट देती है। तो ये तो आपको आपके मुरादाबाद में भी देखने के लिए आपको काफी कुछ मिला होगा। लेकिन टिकट बंटवारे के मामले में हमारी पार्टी ये सब नहीं करती है, सबको उनका पूरा हक देती है, उनको पूरा मौका देती है। बहुजन समाज पार्टी इस बार अकेले लोकसभा चुनाव लड़ रही है। एक तरफ पीएम मोदी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन है। लेकिन बैंजी ने एकला चलो की नीति पर ही खुद को आगे बढ़ाया और अब टिकट बंटवारे में उनकी रणनीति ने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। अब देखना ये होगा कि बाकी बची 25 सीटों पर बसपा कैसे उम्मीदवार उतारती है। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।